वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके बार फिर से MSCMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, सेकावाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का जो पेपर है वो संपन्न हो चुका है। आज अपन इस पेपर का एनालिसिस जो है यहाँ पर करने वाले हैं। एनालिसिस में सिर्फ इतना होगा कि मैं आपको यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताऊँगा, क्योंकि मैंने मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग से आपको एक भी यूनिट जो है वो नहीं पढ़ाई है इसलिए। ओके, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट की तरफ। और यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर एक जो है वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। डिफाइन सेपरेटिंग हाइपरप्लेन, यानी कि आपको हाइपरप्लेन की डेफिनेशन बतानी थी। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका आपको मेथड बताना था, सॉल्व करके बताना था। ओके, उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखेगा, जिसमें आपको LPP के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट जो है इसमें आपको डिफाइन कॉन्वेक्स फंक्शन के बारे में पूछा गया था, जिसमें सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो कॉन्वेक्स फंक्शन के अंतर्गत आती है, ऐसा यहाँ पर बताना था। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन नंबर थ्री कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया था। आपको इंटर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो दे रखी थी और इसका आपको इंटीग्रेट्स जो है यहाँ पर बताने थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी दिक्कत जो है आपको यहाँ पर आ सकती है, किस चीज़ की, कि आपको ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्टूडेंट ने कुछ इस तरीके से ही भेजा था, बट इट्स ओके, आप इतना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, डिफाइन क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड एक्सप्लेन द सर्टेन फॉर द वैल्यू क्लास ऑफ ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ इट्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर फोर बी जो है उसमें आपको नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रखा है। यूनिट नंबर थर्ड से आपको स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर नॉन नेगेटिव स्टैंडर्ड पॉइंट्स के बारे में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर जो है आपको सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर बतानी थी, साथ में जो प्रॉब्लम आपको गिवन है इसका आपको प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जो है यहाँ पर बताना था। बढ़ते हैं यूनिट नंबर फोर की तरफ। यूनिट नंबर फोर में आपको QPPP जो है उसके बारे में पूछा गया था। वॉल्स मेथड के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। -x1 -x2 -x3 ½ x1² + x2² + x3² के बारे में। उसके बाद में आपको कहा गया है कि यूज द KT कंडीशंस ऑफ द फॉलोइंग NLPP कंडीशंस जो आपको दे रखी है, 7x1² + 6x1 + 5x2, जहाँ पर आपको बताया गया है कि x1 + 2x2 जो है लेस देन इक्वल 10 होगा। यूनिट नंबर फाइव की बात करें तो यहाँ पर आपको बेलमन्स प्रिंसिपल ऑप्टिमेंटली जो है उसको दे रखा था, इसका स्टेटमेंट आपको बताना था और साथ में आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व आउट करना था। क्वेश्चन नंबर टेन में आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी थी, जिसको आपको LPP के माध्यम से इस प्रोग्राम जो है इसको सोल्व आउट करना था, जिसमें आपको क्वेश्चन जो होगा गिवन है 15x1 + 100x2, जहां पर आपको 2x1 + 3x2 < 48 दे रखा था, साथ में आपको x1 + 3x2 < 42 दे रखा था और x1 + x2 < 21 दे रखा था, और साथ में ये भी कहा गया है कि x1 और x2 जो है इनकी वैल्यू > 0 है, यानी कि 0 नहीं हो सकती है x1 और x2 की वैल्यू, 1, 2, 3, 4 इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पेपर जो आपको समझ आ गया होगा। आने वाले विद्यार्थी जो भविष्य में MSc मैथमेटिक्स फाइनल ईयर करेंगे, जो कि मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग एज ए सब्जेक्ट लेने वाले हैं, उनके लिए ये पेपर जो है बेनिफिशियल साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।